हेलो, मैं प्रकाश स्टडी में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम आपको रेलवे डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में ऑनलाइन फॉर्म कैसे अप्लाई करते हैं इसके बारे में बताएंगे। ये हमारे फॉर्म वगैरह चालू हो रहे हैं 24/4/2021 से। इसकी लाइट डेट है 23/5/2021 और इसकी पेमेंट फीस की लाइट डेट है 23/5/2021। एग्ज़ाम डेट है इसकी जून 2021 में होगा एग्ज़ाम और एडमिट कार्ड भी 2021 में जून में निकलेंगे। इसकी फ़ीस है, जूनियर मैनेजर की फ़ीस है 1000 रुपये और एग्जीक्यूटिव पोस्ट 900 रुपये फ़ीस है इसकी। जूनियर एग्जीक्यूटिव 700 रुपये फ़ीस है। SC ST और PH के लिए 0। हम पेमेंट कर सकते हैं क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और नेट बैंक के आदि से पेमेंट कर सकते हैं। इसमें हम एज रिलेशन है, एज लिमिट दे रखी है हमारी 1/1/2021 से 18 साल होनी चाहिए मैगी में एज 30 साल होनी चाहिए और मिनिमम एज 18 साल। और जूनियर मैनेजर के लिए मैगजिम एज 27 साल होनी चाहिए। इसमें रजिस्ट्रेशन करते हैं, हम यहाँ पे आ जाएंगे, इस पर रजिस्ट्रेशन में क्लिक कर लेंगे, ऑनलाइन अप्लाई। थोड़ा टाइम ले रहा हमारा ये, ये हमने लॉगिन रजिस्ट्रेशन के लिए क्लिक कर लिया है। इसमें पोस्ट चूज करने के लिए बोल रहा है, इसमें एग्जीक्यूटिव सिविल पोस्ट हमने चूज कर लिया। आप किसी भी पोस्ट पर जैसे कर सकते हैं, जैसे इसमें दे रखा है जूनियर मैनेजर सिविल के लिए, जूनियर मैनेजर ऑपरेटिव BD, जूनियर मैनेजर मैकेनिकल, एग्जीक्यूटिव सिविल, एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल आदि के लिए इसमें पोस्ट जैसे आपने भरना चाहें वैसे भर सकते हैं। इसमें पोस्ट चूज कर लेंगे, इसमें कोड जैसा अपने आप ही आ जाएगा। इसमें कैंडिडेट नेम हमने जैसे गणेश डाल रखा है, अपना जैसे आप भरना चाहते हैं अपना नाम इसमें भर देंगे कैपिटल लेटर में। इसमें अपना मोबाइल नंबर वगैरह भर लेंगे, इसमें कन्फर्म मोबाइल, आगे ईमेल आईडी भर लेंगे, कंफर्म ईमेल आईडी, कैप्चा भर लेंगे 4H11। इसमें अभी जैसे हम इसे पूरा हो जाएगा हमारा, जैसे एक बार चेक कर लेते हैं इसमें इलेक्ट्रिकल पोस्ट गणेश मोबाइल नंबर, और इसमें बस इतना ही भरा जाता है। इसमें इसे सबमिट बटन दाब लेंगे हम, इसमें ये हमने सबमिट बटन कर दिया, ईमेल आईडी कंफर्म, ईमेल पे पहुंच जाएगा रजिस्ट्रेशन वगैरह। इसमें हमारा ईमेल पर रजिस्ट्रेशन और पासवर्ड वगैरह पहुंच गया है। इसमें अब हम इसको दोबारा से लॉगिन करेंगे और इसमें ईमेल और पासवर्ड डाल लेंगे। ये हमने यहाँ से लॉगिन किया, ये हमारा लॉगिन हो गया है। इसमें अब जैसे हमारे पोस्ट भरी थी, इसमें एग्जीक्यूटिव सिविल है, इसका एप्लीकेशन नंबर इसमें पहले से ही भरा आएगा। इसमें कोड हमारा 21 था। इसमें सेंटर चूज कर लेंगे, इसे मैंने इसमें सेंटर फर्स्ट चूज किया है दिल्ली NCR। आप कुछ भी चूज कर सकते हैं इसमें, जैसे कोई चूज करना चाहें तो। सेकंड नंबर में मैंने लखनऊ चूज किया है, आप अपनी चॉइस के अनुसार इसे में चूज कर सकते हैं। दूसरा जयपुर किया है मैंने। आपकी कैटेगरी क्या है, आपकी SC है, OBC है, जनरल है,
जनरल SC ST EWE को युवा उसमें भर सकते हैं। जेंडर मेल, डेट ऑफ बर्थ, आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है चूज कर सकते हैं आप इसमें। आर यू फिजिकल हैंडीकैप्ड, PH इसमें नो कर देंगे। अगर आप है PH हैंडीकैप्ड हैं तो यस करेंगे इसमें। आर यू एक्स सर्विसमैन, अगर हैं तो हाँ यस करना, नहीं है तो ना। आर यू रेगुलर DFCC एम्प्लॉय, अगर एम्प्लॉयर हैं आप रेलवे डिपार्टमेंट में तो यस करना, नहीं नो करना। इसमें करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट, सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद में थोड़ा प्रोसेसिंग चला। हाँ, नेक्स्ट करने के बाद में आपका जो कैंडिडेट नेम वगैरह आ जाएगा इसमें भरा हुआ। उसके बाद में आप फादर्स नेम भर लेंगे अपना, मदर्स नेम भर लेंगे इसमें, जो भी आपके स्कूल मार्कशीट में दे रखा हो। इसमें आपकी मैरिड स्टेटस, अनमैरिड हो या मैरिड हो कुछ भी इसमें भर सकते हैं आप। अगर मैरिड हैं तो मैरिड भरना, अनमैरिड है तो अनमैरिड। नेशनैलिटी इंडिया। मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी पहले से इसमें रजिस्ट्रेशन में पहले अप्लाई कर दिया, इसमें पता भर लेंगे आप, मैंने पहले से ही भर लिया इसमें। एड्रेस, कंट्री, किस कंट्री में रहते हैं आप, इंडिया में। स्टेट, आप स्टेट कौन सा आपका, दिल्ली है, गोवा है, गुजरात है, कुछ भी है। मैंने इसमें उत्तर प्रदेश भर रखा है, मेरा उत्तर प्रदेश है इसमें। डिस्ट्रिक्ट चूज कर सकते हैं आप, और पिन कोड इसमें। जैसे आपका कोई सेम एड्रेस है तो आप सेम एड्रेस के लिए यस करेंगे, और कोई अदर एड्रेस डालना चाहते हैं परमानेंट एड्रेस तो इसमें परमानेंट ही लेंगे। मेरा सेम एड्रेस है तो इसमें यस कर दूंगा। अब इसके बाद सेव नेक्स्ट, सेव नेक्स्ट में हम कर लेंगे। अब इसमें मैट्रिकुलेशन, टेंथ डिटेल, नेम ऑफ द बोर्ड, कौन सा आपका बोर्ड है, यूपी बोर्ड है या बिहार बोर्ड है या कुछ भी बोर्ड है इसमें डाल लेंगे, मेरा यूपी बोर्ड है इसमें। ईयर, कौन सी पासिंग ईयर है आपने, मेरा 2009 था, मैंने इसमें 2009 डाल लिया है। कौन से कॉलेज है आप, अपने कॉलेज का नाम डाल देंगे इसमें। इसमें ट्वेल्थ की डिटेल, किस बोर्ड से आपने, कौन से बोर्ड से किया, यूपी बोर्ड है, लखनऊ बोर्ड है, कुछ भी है, यूपी बोर्ड है आपका, बिहार बोर्ड है या किसी भी स्टेट का बोर्ड है या CBSE बोर्ड है, आप चूज करना चाहें इसमें, जो भी हो आपका इसमें डाल देना। ईयर, ईयर ऑफ द पासिंग, कौन सी ईयर में आपने पास किया है वो डलेगा इसमें। इंस्टीट्यूट नेम, इंस्टीट्यूट नेम आपके जो स्कूल का नाम है वो डलेगा इंस्टीट्यूट का नाम। सब्जेक्ट, कौन सा आपका, PCB है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी है, इसमें भरना चाहें आप भरते भरते हैं। मेरा PCM है, PC फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, आपका जैसे PCB है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी भर सकते हैं। जैसे आप कुछ भी जो भी सब्जेक्ट आप पे वो भर सकते हैं, आपका कितना परसेंटेज है इसमें इंटर में आप वो डाल सकते हैं इसमें, कितना परसेंट है, सॉरी मेरा इसमें इंटर में था 75%। इसके बाद में आपका डालेंगे एसिनेटेड क्वालिफिकेशन डिटेल, इसमें जो आपने जो टेक्निकल डिटेल डालेंगे इसमें, मैं भर रहा हूँ डिप्लोमा से भर रहा हूँ सिविल के लिए, डिप्लोमा 3 ईयर डाल दिया मैंने। एक्सपीलिएशन, इसमें सिविल में इंजीनियरिंग, इसमें ईयर ऑफ ज्वाइनिंग यानी कब एडमिशन लिया, इसमें मैंने 2021 2011 है और पासिंग ईयर 2014 है, आपकी जो भी हो वो आप डाल लेंगे। इंस्टीट्यूट ऑफ नेम, इसमें भर लेंगे नेम ऑफ यूनिवर्सिटी, किस यूनिवर्सिटी से हो या किस बोर्ड से हो आप। परसेंटेज ऑफ मार्क,
कितनी परसेंटेज है आपकी, इसकी जो आपका जैसे प्रीवियस वर्क का एक्सपीरियंस डिटेल, लेटेस्ट ऑफ या लेटेस्ट जो भी आप एक्सपीरियंस वगैरह है आप इसमें ऐड करके एक्सपीरियंस दे सकते हैं। इसमें आप सेव नेक्स्ट कर लेंगे, इसमें सेव नेक्स्ट करेंगे, सेव नेक्स्ट करने के बाद में हमारा थोड़ा टाइम ले रहा है, हमारा सेव नेक्स्ट करने के बाद में हमारा आ जाएगा पेमेंट डिटेल। पेमेंट डिटेल आप जो भी आपकी 700-800 फीस है यहाँ से डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड में, ही मैं ऐसी कैटेगरी के लिए जीरो थी इस वजह से इसमें जीरो आ रहा है। आपकी जो भी फीस होगी उसमें डेबिट कार्ड पेमेंट वगैरह आ जाएगा इसमें। और इसमें इसके ऊपर आगे डॉक्यूमेंट अपलोड, इसमें डॉक्यूमेंट अपलोड होंगे इसमें अपलोड योर रेसिपी पासिंग ऑफ साइज कलर फोटो, इसमें कलर फोटो वगैरह इसमें डाल दिया जाएगा, अपलोड कर लें। इसके बाद में आप सिग्नेचर अपलोड, मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, डेट ऑफ बर्थ के लिए जिसमें डेट ऑफ बर्थ वगैरह सर्टिफिकेट में दे रखा हो, अपलोड अटेंशन ऑफ क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, इसमें जो आपकी टेक्निकल मार्कशीट है वो अपलोड का फोटो कॉपी होगी इसमें, अपलोड ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट ओबीसी में ओबीसी कास्ट सर्टिफिकेट हो, एससी के कास्ट सर्टिफिकेट, जनरल के लिए कुछ नहीं डालना चाहो डाल सकते हो, नहीं तो ये कॉलम आएगा ही नहीं इसमें। इसमें आप कैप्चा डाल देंगे इसमें TIFRWA6 डालने के बाद इसमें आई एग्री करके सबमिट पर बटन दाब देंगे। सबमिट के बाद में ये हमारा फॉर्म वर्क कंप्लीट हो जाएगा और इसमें प्रिंट निकाल लेंगे हम अपना।